अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह हमारी बिल्कुल आज फर्स्ट क्लास है और आज हम लोगों ने जो है वो इस बारे में पढ़ना है कि हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या आइटम्स जो हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं जो मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ना होता है। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें फाइनेंस। फाइनेंस का ही हमारे पास, क्योंकि अकाउंट्स हमारे पास सारा काम ही हमारे पास सिंपल होती है कि हिसाब किताब का काम है। हिसाब किताब के लिए हमारे पास जो होते हैं फाइनेंस। जब तक हमारे पास देखें फाइनेंस नहीं होगा तब तक हम लोग हमारा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुताबिक जो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसके मुताबिक फाइनेंस होता क्या है, हम लोग पहले सबसे पहले ये बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है कि द सोर्स और मनी। ठीक है, द सोर्स और मनी, सोर्स में हमारे पास कोई से भी एसेट्स आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑनर ने जो है वो बैंक में हमारे पास इंटर कर दिया, जैसे कि आप हमारे पास आ जाते हैं कि ऑनर इन्वेस्टेड, फॉर एग्जाम्पल ऑनर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन बैंक। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास, या आ जाता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई दो पार्टनर्स मिलके जो है वो कोई एक बिजनेस फर्म जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास वो आ जाता है कि अगर एक पार्टनर कैश लेके आ रहा है तो दूसरा पार्टनर हो सकता है कोई एसेट लेके आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है सोर्स, तो ये हमारे पास आ जाती है द सोर्स और मनी, मतलब हमारे पास कोई एसेट वगैरह हो या हमारे पास पैसे हों जो किस लिए इस्तेमाल हो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो। ठीक है, ये हमारे पास आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो भी आता है उसको हम लोग फाइनेंस कहते हैं। अब हमारे पास मेन आ जाते हैं फाइनेंस। अब हम लोगों ने जब यहाँ पे बताया है कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, अब हम लोग बताएंगे कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस को हम लोग सिंपल जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जुबान में, यानी जो हम लोग बताते हैं द टर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एनी लीगल एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मनी। ठीक है, हमारे पास हर लीगल काम, हर कानूनी काम, ठीक है, हर वो कानूनी काम जो हम लोग अपने मुनाफा कमाने के लिए या हम लोग और अपने जो है जो हमारे पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए जो तरीकाकार हम लोग यूज करते हैं, जैसे कहते हैं कि अब लीगल एक्टिविटीज हो गई, हर कानूनी कार्रवाई जो होती है जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए हम लोग यूज करें, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस। अब बिजनेस में हमारे पास आ जाती है टू टाइप्स, एक हमारे पास आ जाती है बिजनेस में आ जाती है हमारे पास एक इंडस्ट्रीज आ जाती है, एक हमारे पास आ जाती है कॉमर्स। इंडस्ट्री हमारे पास हो गई कारोबार, इंडस्ट्रीज हमारे पास हो गई कारखाने, और कॉमर्स हमारे पास हो गई कि हम लोगों ने किस तरीके से जो आइटम हम लोगों ने जाय पैदाइश से आम सार्फिन तक पहुंचाने का। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज में हमारे पास सिंपल आ जाती हैं 5 टाइप्स, और भी बहुत सी किस्में हैं, जैसे कि हम लोग मिसाल के तौर पे इन 5 टाइप्स की खाली एक्सप्लेन कर लें। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, सर्विसेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस तरह हमारे पास फिर कॉमर्स के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रेड हो गया, ठीक है भाई, तिजारत और एड्स टू ट्रेड, मतलब जो तिजारत को हमारे लिए आसान करती है जो हमारे लिए। ठीक है, अब ट्रेड्स हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक हमारे पास होती है इंटरनेशनल किस्म की होती है, एक हमारे पास होती है नेशनल किस्म की। इंटरनेशनल मतलब ये होता है कि जो हम लोग आउट ऑफ द सेम कंट्री से हम लोग आउट, यानी बाहर किसी और कंट्री में हम लोग काम कर रहे हों। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं और आप लोग जो है वो एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह आप लोग अगर उसी की ब्रांच एक बाहर किसी और मुल्क में आप लोग ओपन कर लें, इस तरह हो गया। या हमारे पास ये चाहे आ जाए कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपका एक और दोस्त किसी और मुल्क में है, मिसाल के तौर पे USA में है, ठीक है,
कनाडा में, यूएसए में, अमेरिका में, जहाँ भी आप लोग का हो वहाँ पर है, ठीक है। आप लोग अपने जैसे भी हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, एक हम लोगों ने अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हो और वो आपको दूसरी कंट्री में मौजूद है, आप लोग जब आपस में सामान की लेन देन यानी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड आ जाती है। एक हमारे पास आ जाती है नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड हमारे पास वो होती है कि जो हम लोग एक ही सेम कंट्रीज में रहकर जो हमारे बाइंग या सेलिंग आ जाती है, ठीक है ना, इसको हम लोग नेशनल ट्रेड कह देते हैं। अब हमारे पास आ जाती है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में हमारे पास मेन मेन कुछ आइटम्स आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ जाती है। हम लोग एक जगह से जहाँ पे ये चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स को जो हम लोग आम सार्फिन तक यानी जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचाते हैं, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास आजकल आप लोग जैसे कि जानते हैं कि एक टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमारी जो है वो सिंपल बैंकिंग का काम भी आता है कि हमारे पास जितना भी फाइनेंस वगैरह की होती है इसके सारे हम लोग बैंकिंग बैंक में सारा हिसाब किताब रखते हैं इसका। इसके अलावा इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस हम लोग इसलिए कराते हैं कि अगर हमारे इंश्योरेंस हम लोग इसलिए कराते हैं कि अगर हमारे बिजनेस को मिसाल के तौर पे कोई खतरात, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब आपने एक एक अपना कार्गो के जरिए आप भेज रहे हो, ठीक है, कोई सामान, अब आप लोग जो है वो शिप के जरिए भेज रहे हो, ठीक है, शिप के जरिए अब आप लोग मिसाल के तौर पर बेच रहे हो, आप लोगों ने क्या करना है कि इसको इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू इंश्योरेंस करा लेते हैं कि अगर इन केस अगर आपका ये सामान जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ जो है वो उस मुआहदे कर लेती है कि अगर आपका मिसाल के तौर पर सामान डैमेज हो गया या गुम गया या जो भी हो गया उसके मुताबिक वो इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, ठीक है, इनकी एक पॉलिसीज होती हैं, वो कर लेते हैं हमारा। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो नुकसान होता है वो हम कम से कम हमारा कवर हो जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स हो जाती हैं, जैसे कि हमारे का मिसाल के तौर पे हम मुख्तलिफ जैसे कि ब्रोशर्स वगैरह बना लेते हैं, साइन बोर्ड्स बना लेते हैं, इस तरह बहुत से मुख्तलिफ आइटम्स है जिससे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने काम की यानी अपने जो फर्म की है। इसके अलावा मार्केटिंग है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मार्केटिंग हमारे पास होती है कि हम लोग किस तरीके से अपने फिनिश गुड्स जो है वो बाहर जो सेलर्स हैं उन तक पहुँच किस तरीके से उनको आमादा करें कि हम लोग ये आइटम जो हैं वो हमारे सेल वो खरीद लें हमसे कि वो आगे हम वो फिर कंज्यूमर उनसे खरीद लें, ठीक है। अब मार्केटिंग के बाद हमारे पास आ जाते हैं व्हाट इज इवेंट। हमारे पास स्टार्टिंग है, ठीक है, इवेंट्स के बारे में। अब हमारे पास दो तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास इवेंट होती है, देखा जैसे कि आप लोगों को यहाँ सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एनीथिंग हैपन्स इन अ बिजनेस इन विच मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। आप देखें हमारे पास कोई से भी इवेंट हो सकता है, जैसे कि अभी हमारे पास एक आप लोगों की वैसी कोई मीटिंग खाली हुई है, ठीक है, इसमें आप लोगों की कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई मनी से आप लोगों से रिलेटेड कोई वैसी नहीं है, खाली आप लोगों की एक गैदरिंग हुई, ठीक है, एक बिजनेस में, तो ये आपके पास एक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास फिर दूसरे इवेंट की टाइप आ जाती है फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट हमारे पास वो होते हैं कि व्हेन मनी इज इन्वॉल्व इन इवेंट, दिस इवेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इवेंट, ठीक है। हमारे पास अगर इवेंट में मनी इन्वॉल्व हो, जैसे कि हमारे पास कोई एक ऐसा इवेंट है जिसको हम लोग अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करें ना, ठीक है, अकाउंटिंग की बुक्स में अगर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब है कि यह हमारे पास फाइनेंशियल इवेंट्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है कुछ हमारे पास आगे आ जाएंगी डेफिनेशंस। डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। हमारे पास सबसे पहले आती है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होते क्या, अकाउंटिंग इज आर्ट विच रिकॉर्ड द फाइनेंशियल इवेंट इन द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। हमारे पास अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें हम लोग जो है वो फाइनेंशियल इवेंट जितने भी ऐसी इवेंट जिसमें हमारे मनी यूज हो जाए, ठीक है, मनी से यूज हो जाए, मनी के हमारे पास या हमारे पास डेबिट हो रहे कैश या हमारे पास वो हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास जब भी अगर हो रहा है हमारे पास कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें हमारे पास मनी यूज हो रही है, इसको हम लोग फाइनेंशियल इवेंट कहते हैं। अब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, ठीक है, हमारे पास बुक ऑफ अकाउंट हो जाता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जर्नल।
ठीक है, ये हमारे पास एक बिल्कुल मेन चीज है जर्नल। सेकेंड हमारे पास होते हैं लेजर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग की बुक्स है ये, ठीक है, मतलब ये हमारे पास ये है कि ये एक पूरे, आप लोग जैसे कि इसको आप लोग लेडर बोलो, सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी नहीं होती, जिस तरह कि हमारे पास पहले हम लोगों ने हर इवेंट को जर्नल में रिकॉर्ड करना है, देन उसके बाद हमने उस ही जर्नल के जो है वो लेजर्स बनाने हैं, देन ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहती हैं। हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अब हम लोग थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज जर्नल, ठीक है। तो जर्नल हमारे पास आ जाते हैं, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल इवेंट इज कॉल्ड जर्नल। इन जर्नल ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्ड व्हेन एवर इट हैपेंस। हमारे पास जर्नल जो है ये एक ऐसे आर्ट है जिसमें हम लोग हर फाइनेंशियल इवेंट, कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल इवेंट नहीं, हमारे पास हर फाइनेंशियल इवेंट के जिसमें भी हमारे पास मनी इन्वॉल्व हुआ है उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन जनरल ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्ड व्हेन एवर इट्स हैपन। हमारे पास कुछ भी, जब भी हमारे पास फाइनेंशियल इवेंट जिस टाइम पे भी कंपनी में, बिजनेस में या हमारे पास होंगे, उसी टाइम पे हम लोगों ने फौरन इसको रिकॉर्ड कर लेना है। सेकेंड हमारे पास आता है लेजर, कंडेंस मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कंडेंस रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इवेंट इज कॉल्ड लेजर, इट मेक अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब हमारे पास लेजर क्या होता है, लेजर हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म होती है हर फाइनेंशियल इवेंट की, ठीक है, हर फाइनेंशियल इवेंट की जो है हमारे पास लेजर में हम लोग इसके जो है, हम लोग अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कैश की एंट्रीज हुई है, जितनी दफ़ा भी हमारे पास कैश के फाइनेंशियल इवेंट्स हुए हैं हमारे पास, वो सब में कैश जहाँ जहाँ भी हमारे पास इन्वॉल्व है, हम लोग उसके लिए एक खास लेजर टाइप एक एक अकाउंटिंग का एक स्टेप बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास हमेशा समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी लेजर रिकॉर्ड, हमारे पास लेजर्स के जो से भी बैलेंस आते हैं ये हमारे पास इसमें हमारे पास आ जाते हैं, इसका जो मेन जो हमारे पास बैलेंस आ जाता है वो हम लोग सिंपल ट्रायल बैलेंस में करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग जो है वो हमारे पास हमेशा एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, इन दोनों साइड को हम लोगों ने इक्वल इक्वल रखना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, इट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग जो है वो इसमें सिंपल इनकम स्टेटमेंट में हम लोग जो है हमारे पास जितनी भी हमारी सेल होती है उससे हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमारे पास रह जाता है, ठीक है। देन हमारे पास आती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या थी, बैलेंस रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास लाइबिलिटी के और एसेट के जो बैलेंस बिल्कुल हमारे पास दोनों साइड इक्वल हम लोगों ने शो करनी होती है, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट बन जाती है। अगर हमारे पास किसी चीज में भी डिफरेंस होगा देन हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट से पहले जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन सब को चेक कर हमारे पास एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड हमारे पास बैलेंस शीट को बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास क्या आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास आती है द कमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस वी रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ द कैश। हमारे पास कैश किस तरीके से आया है, कहाँ से आया है और किन किन जगहों पर लगा है, इसमें हम लोगों ने सिंपल सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो बताना है कि हम लोगों के पास कैश कहाँ कहाँ लगा है, कैश कहाँ कहाँ से आया है और अब हमारे पास कैश कितना रह गया। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो, इंशाल्लाह कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।